राज्य की सियासत में उतर रहे बिग बॉस विनर एल्विश यादव के मुद्दे पर राज्य के नेताओं द्वारा प्रतिक्रियाएं उत्पन्न हो रही हैं। अब इसी बीच एल्विश यादव का वर्षा निवास स्थान पर आरती करना विपक्ष को रास नहीं आया, जहां इस मुद्दे पर विपक्ष मंत्री विजय वडेट्टीवार ने मुख्यमंत्री शिंदे पर आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री वर्षा बंगले की पवित्रता को भंग कर रहे हैं। सांपों के जहर की सप्लाई करने के आरोप में फंसे बिग बॉस ओटीटी 2 विनर एल्विश यादव की आज अब मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के वर्षा आवास तक पहुंच गई है। दरअसल हाल ही में गणपति उत्सव के दौरान यादव ने सीएम निवास पर जाकर आरती के कार्यक्रम में भाग लिया था। अब इस मुद्दे को लेकर महाराष्ट्र विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय वडेट्टीवार ने शिंदे पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि एल्विश यादव जैसे जहरीले नशेड़ी मुख्यमंत्री के बंगले पर आसानी से प्रवेश कर रहे हैं और सीएम शिंदे उनका शॉल और नारियल से स्वागत कर रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि क्या मुख्यमंत्री को एल्विश यादव के बारे में पहले से कोई जानकारी नहीं थी? क्या सीएम का बंगले पर नशेड़ियों की एंट्री आसान हो गई है? एल्विश यादव जैसे नशे के कारोबारी और महिलाओं के बारे में अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने वाले शख्स को यदि गणेश आरती में शामिल किया जा रहा है, वर्षा प्रदेश प्रमुख का निवास स्थान है, जिसके चलते इस बात की गरिमा मुख्यमंत्री ने रखनी चाहिए, क्योंकि हमने अभी तक नहीं देखा कि कोई सेलिब्रिटी वर्षा पर आरती के लिए आया हो। ना असं आहे की सेलिब्रिटीला कधी आम्ही अशा म्हणजे भुरकड सेलिब्रिटीच्या हातून कधी गणेशजीची आरती करताना वर्षावर आम्ही पाहिलं नाही। गणेशजीचा उत्सव हा वेगळ्या आणि साध्या पद्धतीनं दरवर्षी साजरा केला जातो, पण यावेळेस पहिल्यांदाच पाहिलं की सेलिब्रिटीला बोलावून बोलावून आरती करणं आणि त्यामध्ये मग अशी प्रवृत्ती शिरणारच, ज्याच्याकडे खरं तर मुख्यमंत्र्यांच्या बंगल्यावर येणाराचे सगळी माहिती असलीच पाहिजेत, त्यां गव्हर्नमेंटच्याकडे तशी यंत्रणा आहे स्वतंत्र, पण यापूर्वी जाण्याच्या म्हणजे वर्षावर जाण्याच्या पूर्वीसुद्धा त्यांच्यावर महिलांच्या संदर्भात घाणेरड्या टिप्पणीचे आरोप होतेच। तर असं नाही की नव्हतं की तो क्लीनच होता एकदम, तरी पण अशी ज्यावेळेस घटना घडतात त्यावेळेस स्वाभाविक लोकांच्या प्रतिक्रिया येत असतात। आपण हे राज्याच्या प्रमुखांचं निवासस्थान आहे, त्या ठिकाणी याचं पावित्र्य थोडंसं पाळलंच पाहिजे। कॅमेरा पर्सन राजकुमार मोहळके साथ मनीष ठेंबरे, BCN न्यूज नागपूर।